किसान एकता। जींद के गांव गतोले में भाजपा कार्यक्रम में हंगामा, उल्टे पांव दौड़े भाजपा नेता, किसानों ने नहीं लगने दिया प्रशिक्षण शिविर, पुलिस ने संभाला मोर्चा। गांव के से पब्लिक स्कूल में भाजपाइयों के जुटने की सूचना पाकर काफी संख्या में किसान मौके पर पहुंच गए थे। किसानों ने कहा वे गांव गतोले में भाजपा का प्रशिक्षण नहीं चलने देंगे। उसी समय जुलाना के भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश सांगवान व जिला महामंत्री सुखदीप बुआना भी स्कूल गेट पर आ गए। दोनों ने किसानों को कहा कि यदि आप लोग नाराज हो तो हम प्रशिक्षण शिविर को स्थगित कर देते हैं। इसके बाद सभी भाजपा कार्यकर्ताएं चले गए। इसके बाद ही किसान शांत हो पाए। इस दौरान किसानों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि जब तक 3 कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक भाजपा का कोई कार्यक्रम गाँव में नहीं होने देंगे। इसके बाद उल्टे पाँव गाड़ी को निकाल कर भाजपा नेता व कार्यकर्ताएं चले गए। किसान आंदोलन को 23 दिन हो गए हैं और बीजेपी ये कह रही है कि अब गांवों में जा जाके लोगों को संदेश देंगे कि कृषि बिलों के क्या फायदे, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर असल में तो उनमें हिम्मत ही नहीं है, वो किसानों का सामना करें। अभी तक भी जितने भी आपने देखा है कि वो बिलों के समर्थन में जो भी काम कर रहे हैं वो एक पर्दे के पीछे से हो रहा है। हम चेतावनी देते हैं कंडेला गाँव की ओर से, अगर उनमें हिम्मत है तो कंडेला गाँव में आए, कृषि बिलों पर डिबेट करें। असल में तो वो आएंगे नहीं, उनका स्वागत उन्हीं काले झंडों से होगा जैसा स्वागत उन्होंने किसानों का किया अभी तक। तो किसान आंदोलन में आपका क्या योगदान रहा है कंडेला गांव की तरफ से? कंडेला गांव की ओर से जी जो हमारे युवा हैं उन्होंने गांव की ओर से आटा, दूध, लस्सी वगैरह के 2-3 ट्रैक्टर पहले बेच चुके हम, और साथ में भी अभी 1-2 दिन में लकड़ियों से भरे 1-2 ट्रैक्टर और भेजे हैं, क्योंकि वहाँ पर किसानों रात में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है इस टाइम पर लकड़ी और पानी की है, तो हम उसकी व्यवस्था करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। कृषि बिलों में क्या खामियां देखते हैं आप और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कृषि बिलों में सर आप सबसे बड़ी बात है कि आप इसको कृषि बिल तो बोले ही नहीं, ये बिल सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। इनमें पहली बात प्राइवेट मंडियों को बीच में ला के सरकारी मंडियों ख़त्म करना, ये पहला इनका काम है। दूसरा स्टोरेज जो जमाखोरी को बढ़ावा दे के जो मार्केट है उनमें जो जरूरी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके रेट को बढ़ा के उन जमाखोरों को फ़ायदा देने का दूसरा काम, और जो तीसरा काम है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके हैं वहाँ पे तो आप कहीं पे भी पलवल साइड में भी जो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है वहाँ पे आप भी चेक कर सकते हो कि लोगों पे कंपनियों ने 4-5 करोड़ के क्लेम डाल रखे हैं, उनकी टर्म एंड कंडीशंस इतनी है कि एक किसान पूरा ही नहीं कर सकता। और दूसरी बात उनको बोला गया कि भी आप SDM तक जा सकते हैं, अब SDM एक DSP SP के खिलाफ कोई निर्णय नहीं ले सकता, वो कहाँ बड़े बड़े अंबानी अडानी के खिलाफ कौन निर्णय लेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।